अस्सलाम वालेकुम, ज़फर सिक्योरिटी के लाइव फेसबुक सेशन के साथ हम लाइव आ चुके हैं अपने रेगुलर टाइम 4:30 के साथ। मेरे साथ रोजाना की तरह ज़फर सिक्योरिटी के रिसर्च एनालिस्ट नईम साहब मौजूद हैं, जिनसे मार्केट के हवाले से जाने कि मार्केट ने किस तरह बिहेव किया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने स्टॉक्स के हवाले से जो है व्यूअर्स हैं अपने शेयर कर सकें हमारे साथ। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और नईम साहब से पूछते हैं कि जी आज 100 डेज की क्या सूरत है। जी बहुत शुक्रिया। आज हमने देखा कि 100 इंडेक्स ने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया, जिसकी बुनियादी वजह रोल ओवर सेटलमेंट का कोशिश रूपी से तय होना था। इसके साथ साथ आज 100 इंडेक्स ने अपने एक इम्पोर्टेंट जो उसका रेजिस्टेंस लेवल था उसको भी ब्रीच किया 45,447 पॉइंट्स के लेवल पर, और टर्नओवर में भी काफ़ी बेहतरी देखने को मिली। 296 मिलियन शेयर का टोटल टर्नओवर रिकॉर्ड किया गया। कारोबार के अख्ताम तक 100 इंडेक्स 316 पॉइंट्स इजाफे के साथ 45,490 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ आज। और वॉल्यूम लीडर्स के अंदर आज कौन से शेयर्स हैं? जी वॉल्यूम्स के लीडर्स में आज टॉप ऑफ द लिस्ट रहा के इलेक्ट्रिक 50.5 मिलियन शेयर के साथ। इसके साथ साथ टी आर डी पाकिस्तान 41.8 मिलियन शेयर्स, एंग्रोपोलीमर केमिकल्स 28.2 मिलियन शेयर्स, लॉटरी केमिकल्स 11.4 मिलियन शेयर्स, और फौजी सीमेंट आज 9.5 मिलियन शेयर्स के साथ वॉल्यूम्स में नुमाइश रहे। अब आने वाले दिनों में आप मार्केट को किस तरह बिहेव करता हुआ देख रहे हैं? जी टेक्निकली 100 इंडेक्स ने आज जो अपना रेजिस्टेंस लेवल था 45,447 पॉइंट्स का उसको ब्रीच किया, और ख़ास बात यह है कि एक बढ़ते हुए टर्नओवर के साथ किया, जो बुनियादी तौर पर एक स्ट्रेंथ की अलामत है ट्रेंड में। फर्दर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब जो 100 इंडेक्स है वो उसमें मजीद हम बुलिश सेंटीमेंट्स को देख सकेंगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में, जहाँ पर नेक्स्ट जो पॉसिबल रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल है 100 इंडेक्स के लिए 47,250 पॉइंट्स की सतह पर। जी और उस्मान शेख साहब हैं DCL, इसकी टारगेट प्राइस दीवान सिंह। जी दीवान सीमेंट फिलहाल 30 से 31 रुपए का जो रेजिस्टेंस है उस पर काफ़ी भारी नज़र आ रहा है, तो फिलहाल शॉर्ट टर्म की बात करें तो यही लेवल जो है उसको प्रॉफिट टेकिंग के लिए भी जहन में रखना चाहिए। और एफर्ट एग्रो फर्टिलाइजर टारगेट? जी एग्रो फर्टिलाइजर का टारगेट डिपेंड करता है, हर तरह का टारगेट डिपेंड करता है कि जो भी इन्वेस्टर है या ट्रेडर है उसके इन्वेस्टेड टाइम फ्रेम पे, अगर तो उनका टाइम फ्रेम बहुत शॉर्ट टर्म है तो उसमें वो 73 से 74 रुपए का जेन बनाए प्रॉफिट टेकिंग का। अगर आपका टारगेट थोड़ा लंबा है तो उसमें होल्ड करना भी काफ़ी सूटेबल रहेगा। AGL बाय करना चाहिए करंट रेट पे उमर? जी AGL हमने देखा कि 4 से 9 रुपए की रैली करने के बाद इस वक्त थोड़ा आराम करने के मूड में है, जहां पर स्टॉक मजीद कई हफ्ते ले सकता है। इसी इस्ना में स्टॉक को 6.50 रुपए पर इब्तदाई सपोर्ट भी हासिल है। जी और PSO टारगेट प्राइस मोहम्मद असलम सिंधु और जेबा शकील? जी PSO का इब्तदाई जो टारगेट है या रेजिस्टेंस है वो 320 से 325 रुपए के दरमियान हमें देखने को मिल सकती है। अदरवाइज अगर आपका टाइम फ्रेम थोड़ा सा लंबा है तो उसमें 340 से 350 रुपए का रेट भी दिखा सकता है। बैंक ऑफ पंजाब टारगेट प्राइस एहसन रिंद? जी बैंक ऑफ पंजाब का इब्तदाई जो टारगेट है वो तकरीबन 10.50 रुपए प्लस के आसपास है। PIL टारगेट प्राइस गुलाम हुसैन? जी PIL काफ़ी वोलेटाइल किस्म का स्टॉक है, जहां पर इब्तदाई जो उसका रेजिस्टेंस है वो
पांच से साढ़े पांच रुपए के दरमियान है। मार्को टारगेट मुर्तजा खान, मार्को MARCO MARCO मार्को तो इस तरह का कोई सैंबल के साथ कोई स्टॉक नहीं है। अगर आप उसकी थोड़ी वजाहत करें सैंबल की तो हम उस पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। ASL और DSL बाय करना चाहिए और इनकी टारगेट प्राइसेस। कासिम खलील, अच्छी ASL तो इस वक्त 20 रुपए के आसपास अच्छी खासी सपोर्ट को बनाए हुए है, जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में स्टॉक बाउंस ले सकता है। इब्तदाई टारगेट तकरीबन 22 से 23 रुपए के दरमियान। इसके साथ साथ जो दोस्त स्टील है उसका इस वक्त जो सपोर्ट लेवल है वो 11.5 रुपए के आसपास है जी। और मेटको टारगेट है, वो मेटको होस्टल सर जो मार्क को लिखा उन्होंने मुर्तजा खान जी। MFL का फिलहाल जो रेजिस्टेंस है इस वक्त वो तकरीबन 44 रुपए के आसपास है। मोहम्मद हुसैन को पेल का बता दीजिए कि टिप कहां तक जाएगी और कब लेना चाहिए जी। पेल को टेक्निकली इस वक्त हम 45 से 52 रुपए की रेंज में देख रहे हैं आने वाले 2 से 4 हफ्तों के लिए जी। और FFL और यूनिटी टारगेट प्राइस एमिर राणा जी, यूनिटी का फिलहाल जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 29 से 30 रुपए के दरमियान में है। इसके साथ FFL का हालिया जो पॉसिबल रेजिस्टेंस हो सकता है वो 41 से 40 रुपए के दरमियान में हम देख सकते हैं। AGP टारगेट प्राइस मोहम्मद इमरान जी, AGP इस वक्त थोड़ा कंसोलिडेशन मूड में नजर आ रहा है पिछले काफी ट्रेडिंग सेशंस के दौरान। फिलहाल स्टॉक 88 रुपए से 100 रुपए की ट्रेडिंग रेंज को बनाए हुए है जी। और TRG टारगेट प्राइस और बाइंग एरिया भी TRG का हमने देखा कि 40 रुपए के ऊपर दोबारा से उसमें हमने रेजिस्टेंस देखी जिसके बाद स्टॉक ने पुल बैक किया। सपोर्ट के लिए फिलहाल आप 36 से 37 रुपए में थोड़ा सपोर्ट है इनिशियल तौर पर। आतिफ गफूर साहब है PIBTL का बता दें इनको जी। PIBTL थोड़ा स्लो और स्टडी मूवमेंट दिखाने वाला स्टॉक है जहां पर इस वक्त उसे 20 से 21 रुपए में रेजिस्टेंस का सामना है जी। और डोल का कुछ बता दीजिए आतिफ गफार DOL जी। डोल का फिलहाल जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 21 रुपए के आसपास है। बाइको हारून राशिद इसका अंदाजा बता दीजिए। बाइको का फिलहाल जो ट्रेडिंग रेंज है वो 14 से 17 रुपए की है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टेक्निकली आने वाले कुछ हफ्तों में स्टॉक इसी ट्रेडिंग रेंज में मूव करेगा जी। और TGKC और PSO सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दीजिए एडियन शेयर जी। डीजी खान का फिलहाल जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 170 रुपए के आसपास है। इसके अलावा जो PSO है उसका फिलहाल जो रेजिस्टेंस है वो 320 से 325 रुपए के दरमियान जी। और CSAP इसका बता दीजिए मोहम्मद अहमद साहब को जी। CSAP 120 से 125 में रेजिस्टेंस को सपोर्ट को बनाने में और उसको कंफर्म करने के इसी प्रोसेस में है जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले मजीद कई ट्रेडिंग सेशन सर्व होंगे। TPL टारगेट प्राइस सादिया शेख जी। TPL का फिलहाल जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 10 रुपए के आसपास है जी। और TRG को होल्ड रखना चाहिए वैसे भी या नहीं
जी, TRG का जो ट्रेडिंग पैटर्न है या उसकी रेंज है, होल्ड इस सूरत में किया जा सकता है कि अगर वो 40 रुपये की रेजिस्टेंस को अबूर कर जाए तो होल्ड करना काफ़ी बेहतर रहेगा। अदरवाइज 40 पे एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग करना काफ़ी अच्छा फैसला हो सकता है। जी, और पहल के मुतल्लिक एक दफा दोबारा से बता दीजिए, 5-6 कमेंट्स दोबारा आ गए। जी, पहल क्या हम टेक्निकली देख रहे हैं कि इस वक्त उसका जो मोस्ट पार्ट ऑफ द सेलिंग जो उसका था वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका हुआ है। तो फिलहाल स्टॉक 45 से 52-53 रुपये की रेंज में ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा आने वाले एक कुछ हफ्तों के लिए। NML कब तक चलेगा साथ जेबा? जी, NML करंटली इस वक्त कोई 150 रुपये पर अच्छी खासी सपोर्ट को बनाए हुए है। फर्दर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ मजीद रिंग बाउंड सेशन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। शेल टारगेट प्राइस उस्मान शेख, जी, शेल का करंट जो टारगेट है वो तकरीबन 375 रुपये के आसपास। और वर्ल्ड कॉल के टारगेट प्राइस? वर्काल इस वक्त जो उसकी ट्रेडिंग रेंज है वो 2 रुपये 10 पैसे का सपोर्ट है और 2 रुपये 65 पैसे और 70 पैसे पे काफ़ी रेजिस्टेंस है। तो टेक्निकली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले मजीद ट्रेडिंग सेशन इसी ट्रेडिंग रेंज में स्टॉक ट्रेड कर सकता है। GHNL शराज हनीफ, जी, GHNL फिलहाल काफ़ी अच्छी खासी रैली करने के बाद थोड़ा ओवरबॉट है, जहां पर उसे 280 रुपये के आसपास एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। फिरोज और AGTL का बता दें, मोहम्मद काजी, मोहम्मद जहीर साहब। अलकासी ट्रैक्टर का 700 से 715 में हल्का सा रेजिस्टेंस है। STL टारगेट प्राइस नवाब अख्तर। STL फिलहाल थोड़ा रेंज बाउंड और सपोर्ट की कोशिश में है, जहां पर उसे इस वक्त